हेलो फ्रेंड, संध्या एकेडमी बेस्ट स्टडी प्लेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग, जिसमें रीजनिंग का क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक के साथ आपको बताया गया है, जो सभी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक घड़ी में समय 3:13 है, तो जल प्रतिबिंब में समय क्या होगा? ये हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक, तो इसके लिए एक ट्रिक है, 18:30। ठीक है, तो जो समय दिया गया है 3:13, उसको हम 18:30 में क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 15:17। ठीक है, तो 15:17 को क्या बोलते हैं, 3:17। ये हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर का। हमारा अगला क्वेश्चन है, 14:400। ठीक है, 37:00 इसको हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। 42:23,004। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 14 है। ठीक है, 14+6 करेंगे। ठीक है, तो क्या आएगा, 20 आएगा, और 20 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 400 आ जाएगा हमारा। ठीक है, उसी प्रकार इसको भी करेंगे, 42+6 करेंगे। ठीक है, तो क्या आएगा, 48, और 48 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 2304 आ जाएगा। तो यहाँ भी वैसे ही करना है, 37+6 करना है, तो क्या आएगा, 43 आएगा, और 43 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 1849। ये हमारा सी नंबर का, ये हमारा आंसर है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, आकृति में कुल आयत कितने हैं? ठीक है, तो ये क्या है, आयत है, तो हमको क्या करना है, काउंट करना है, और काउंट करके बताना है कि कितने आयत है। ठीक है, तो 1, 2 और ये 3, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया था, ये 1 आयत है। ठीक है, तो 1, 2, 3 तीनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6 इन सबको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 21 आएगा। ठीक है, उसी प्रकार इसमें 1, 2, 3 इन तीनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। ठीक है, उसके बाद 21 और 6 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 27, और 27 और 6 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 33 आएगा। ठीक है, उसके बाद +2, यहाँ पास एक आयत और बढ़ रहा है ये। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद यहाँ एक आयत और बढ़ रहा है, तो 2 आयत हो गया, तो 2 आयत को फिर ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 35। हमारा फर्स्ट नंबर का आंसर सही होगा, 35। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन दिया गया है, और यहाँ हमको क्या करना है, जो खाली जगह है उस पे कौन सा नंबर आएगा, ये हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इसके लिए हम करेंगे ये 9+7। ठीक है, करेंगे तो कितना आएगा, 63 आएगा। ठीक है, उसके बाद 9 और 7 को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 16 आएगा। ठीक है, अब ये 63 और 16 को आपस में जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 79 आएगा। ठीक है, फिर उसी प्रकार करते हैं, 7 और 8 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 56 आएगा, और 7+8 को इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आएगा, 15 आएगा। ठीक है, अब 56 और 15 को ऐड कर देंगे तो कितना आएगा, 71 आएगा। ठीक, उसी प्रकार इसमें भी करेंगे, 6+9 करेंगे तो कितना आएगा, 54 आएगा। ठीक है, उसके बाद 6+9 करेंगे, ठीक है, तो क्या आएगा, 15 आएगा। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है, तो कितना आएगा, 69। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर का। हमारा अगला क्वेश्चन है, आकृति में कुल कितने त्रिभुज है, इसको हमको क्या करना है, बताना है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, त्रिभुज। ठीक, तो ये यहाँ से एक भाग है, यहाँ से फिर, और यहाँ से, तीन पार्ट में क्या हुआ है, कटा हुआ है। ठीक है, तो इसमें कितने हैं, कितने त्रिभुज हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इन सब को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 21 आएगा। ठीक है, फिर उसी प्रकार इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा, सबको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 21। ठीक है, अब ये यहाँ तक बस है। ठीक है, और ये खाली है, ये इसका है। ठीक, तो 1, 2, 3 इन तीनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। ठीक है, अब इसमें ये वाला जो पोर्शन है, इसको हम काउंट कर चुके हैं। ठीक है,
और ये वाला, ठीक, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इन 5 तक को हमको क्या करना है, एड करना है, तो क्या आएगा, 15 आएगा, ठीक है। अब 15 6 21 और 21 इन सब को एड करेंगे कितना आएगा, 63। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।